हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर ढेर सारी सब्जियों के साथ स्पेशली टाकोस, यानी गर्मी स्पेशल है। गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट रेसिपी चाहिए, लेकिन बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखना होता है कि टेस्ट होने के साथ साथ थोड़ी हेल्दी भी होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं वेजी टाकोस, जो कि ढेर सारी सब्जियों के साथ बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। टाकोस के लिए सबसे पहले हमने लेनी है यहाँ पर वेजिटेबल, जो भी आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा यानी आधा आधा कप हमने वेजिटेबल लिए हैं। यहाँ पर हमने चॉप ऑनियन लिया है, चॉप कैप्सिकम है, चॉप टमाटो है, चॉप कैरेट है, चॉप कुकुम्बर है, साथ में है स्वीट कॉर्न। सब अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। गार्लिक खाते हैं तो आप यूज़ कर लीजिए, ग्रीन चिली खाते हैं तो वो, साथ में आप जो अदरक खाते हैं तो वो उसका पेस्ट है, उसको भी कट करके आप ले सकते हैं। जो भी आपने पसंद हो आप वही चीज़ ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई ले ले रहे हैं। उसमें हमने आधा चम्मच या एक चम्मच डाला है बटर या घी, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ले सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें अनियन, बहुत ज़्यादा हमें ये सब्जियाँ कुक नहीं करनी है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है। यानी सब्जियाँ जो हैं वो हमें क्रंची ही रखनी है। तो हल्का सा हम इसको ऑनियन को इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से रोस्ट करेंगे। और साथ में अब हम सारी सब्जियां, जो हमारी सारी सब्जियां जैसे कुकुम्बर है, कैरेट है या कैप्सिकम, टमाटो, सभी सब्जियां इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हम डाल दे रहे हैं कुछ स्पाइसेस यानी मसाले। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच डाला है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर। और एक इन मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च और ग्रीन चिली बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। बस थोड़ा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काला नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ये भी बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ सॉसेज डालेंगे। तो सॉसेज में आप मेयोनीज ले लीजिए, लगभग 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर मेयोनीज लेंगे। मैं तंदूरी मेयोनीज ले रही हूँ, आपको जो पसंद हो सिंपल या फिर कोई फ्लेवर की आप वो ले लीजिए। तो मैंने डाल दिया लगभग 2 चम्मच हमने मेयोनीज ऐड कर दिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली, जो भी आपके पास हो इजीली, 1 टीस्पून हम वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ग्रीन चिली और रेड चिली आप जो मन करे वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा हम डालेंगे इसमें केचप, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और सभी चीज़ों को स्टे करेंगे हम, मिक्स फ्लेम हाई रखी है, कुछ ही सेकंड के लिए हम इसको चलाएंगे और क्या करेंगे गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हमें करना है नेक्स्ट सॉसेज। तब तक ये ठंडा होता है तो हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है, साइड कर देते हैं। अब रख लेते हैं हम एक तवा, तवा रख लिया है और अब ले ले रहे हैं हम यहाँ पर लिज्जत पापड़, तो जो कि बहुत ही फेमस है ये पापड़। आप कोई भी पापड़ वैसे ले सकते हैं। अभी क्या है कि गर्मी बहुत है और साथ में गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने का मन करता ही है, यानी उन्हें कुछ स्पेशल चाहिए। लेकिन मम्मियों की भी आफत है कि गर्मियों में वो न्यू डिफरेंट रेसिपी किस तरीके से बनाएं, क्योंकि गर्मी में किचन में जाने का मतलब बहुत ही गर्मी है। लेकिन ये थोड़ा जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि ढेर सारी सब्जी जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं, उनकी पसंद के हिसाब से सब्जियां ऐड करके। और दूसरा ये ऑयल फ्री है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑयल वॉयल लगता नहीं है। टाकोस आप मैदा से भी बना सकते हैं लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है, यानी थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता ही है। और इस गर्मी के मौसम में जो जल्दी बन जाए वो सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो पापड़ हैं उसको हम तवे पर डालकर ऐसे ही रोस्ट कर ले रहे हैं, यानी भून ले रहे हैं पलट पलट करके। ये देखिए पापड़ अच्छे से भून गया है। इसी तरीके से जितने भी आपने टाकोस पापड़ से रेडी करने हैं आप उसको इस तरीके से भून लीजिए, भी बहुत सॉफ्ट है तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने ग्लास ले लिया और ग्लास के अंदर हम इसको डालेंगे और इस तरीके से ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसका यही शेप आएगी। तो इस तरीके से हम अपने जो पापड़ हैं वो सेक कर एक करके ग्लास में डालते जाएंगे। तो अभी दूसरा सेक लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे जो पापड़ हैं वो रेडी कर लिए हैं, जितने भी हमें सर्व करने हैं इस तरीके से। और अभी हमें क्या करना है, जो हमने स्टफिंग तैयार करी है वो हम इस तरीके से इसके अंदर फिल करेंगे।
तो मैंने पापड़ के अंदर स्टफिंग डाल दी है। अब ले लेने हैं हम केचप, और केचप इस तरीके से डालेंगे इसके अंदर। साथ में हम मेयोनीज ले लेते हैं, थोड़ी सी मेयोनीज भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मैंने मेयोनीज भी डाल दी है और ये हमारे पापड़ या वेजी टाकोस बनकर रेडी हो गए हैं। इस गर्मी में अगर आपको गर्मी से बचना है तो बहुत ही इजी रेसिपी है, और साथ में ढेर सारी सब्जियों के साथ हेल्दी टेस्टी ये रेसिपी है, जो कि बच्चों को आप इस छुट्टी में ज़रूर खिलाइए। और अगर वो एक बार खाएंगे तो वो कितनी बार ही आपसे बनवाएंगे, यानी बार बार बनवाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप मैसेज करें और डिसलाइक भी करें। थैंक यू।